बेटा आप चेक कर लो, सबको आ रही आवाज? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो बेटा, कोई भूल जाता है। चलिए ठीक है। ये जला जो दिव्यांशु को देती है प्रॉब्लम, बाकी सबको आ जाती है। और तुम सवाल जला जो दिव्यांश अभी बोल रहे, आवाज नहीं आ रही है आवाज। ठीक है चलिए। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस लिए थे आपने इक्वेशंस के, कुछ और प्रॉब्लम्स अपन लेते हैं इक्वेशन की, ठीक है? और उसके बाद ये तो अपन ने ले लिया था, ठीक है। चलिए अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें अपन लेते हैं। एक्स टू दी पावर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x। एक्स टू दी पावर 1 प्लस लॉग एक्स 10 बेस पर है ना? थोड़ा नीचे कर लो, लिख ले आओ थोड़ा सा नीचे। एक्स टू दी पावर 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 10x। अब कुछ प्रॉब्लम है ना इस टाइप की मिलेगी आपको, जिसमें पावर में लॉग आ रहा है ना। अब जनरली ऐसी प्रॉब्लम में अपन क्या करते हैं कि एक तो या तो क्या अपने पास बेस सेम बन जाए, तो यदि बेस मेरे पास सेम बन जाए ठीक है, तब तो मैं सीधे सीधे पावर को कंपेयर करके इक्वेशन बना सकता हूं। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि जनरली जैसे बेस में भी क्या है कि वेरिएबल है, वीडियो नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ठीक है चलिए। हाँ, तो एक्स टू दी पावर 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 10x है ना। अब ऐसे केसेस में क्या है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 1 प्लस लॉग एक्स में अपन दोनों साइड लॉग ले लें, बेस 10 पे चल रहा है, बेस क्या है अपने 10 पे चल रहा है ठीक है। तो दोनों साइड अपन क्या कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लेंगे अपन, तो यहां पर आएगा लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा लॉग ऑफ 10x टू द बेस 10। दोनों साइड लॉग ले, जब भी पावर में इस टाइप की टर्म आ जाए ना अपने पास, तो उसको आगे लेने के लिए अपन दोनों साइड लॉग ले सकते हैं ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, अब इसको इधर कर देते हैं अपन, तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 10 इनटू यहां पर आएगा लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा लॉग 10 ऑफ 10 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ठीक है राइट। बन गई इक्वेशन, अब ये वन हो गया ठीक है। अब इसको टी मान ले, इसको टी मान ले, इसको टी मानेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ठीक है। यहां पे करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा ठीक है। टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आने का मतलब टी मतलब क्या, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 और लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं ऊपर दिख रहा ठीक है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 और लॉग एक्स इक्वल टू
लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 भी अपन कर सकते, सेटिस्फाइड तो हो ही जाएगा, सेटिस्फाइड होने की दिक्कत नहीं है। आपको चेक ये करना है कि लॉग के अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, बस ये चेक करना, ठीक है, सेटिस्फाइड तो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया। हाँ, एक मिनट हो गया, वीडियो पॉज हो गया ना, एक मिनट का कनेक्शन स्पीड नहीं आया। हाँ, एक मिनट, अब विजिबल हो रहा है क्या? अब आइए आवाज। ठीक है, चलिए, राइट राइट, एंगल थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दैट विल बी मच बेटर। हाँ, आप सही है, चलिए ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, है ना? तो अब कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम्स और मैं आपको देता हूं, तो एक बार आप ट्राई करिएगा। इसको लिख लिया सबने? सेकंड स्टेप में ये क्वेश्चन था, सेकंड स्टेप में मैंने दोनों साइड लॉग लिया। जनरली क्या होता है, जैसे बेस में आपके पास लॉग आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो दोनों साइड अपन ने लॉग लिया, तो दोनों साइड लॉग लिया अपन ने, यहाँ पर इसको आगे ले लिया, ठीक है, उसके बाद तो बस यहाँ पे लॉग ए इंटू टी लगाया, लॉग एक्स को बाकी तो टी मान के अपन ने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक बार वापस से समझा देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, दोनों साइड लॉग लिया मैंने, तो दोनों साइड यहाँ पे लॉग लिया, यहाँ पे लॉग लिया, या इस स्टेप समझ में, इसके बाद इस पावर को आगे ले लिया, ये पावर आगे आ गया, इसमें लॉग ए इंटू बी लगा दिया, ये वाली स्टेप आ गई समझ में, लॉग 10 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, वो 1 कर दिया अपन ने, इसको टी मान लिया, तो ये 1 प्लस टी हो गया, यहाँ पे 1 प्लस टी हो गया, इंटू टी हो गया, सॉल्व करा, टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, मतलब टी किसको माना था, इसको माना था, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 10 पावर 1, x इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जलज बेटा, आपके उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि अभी अब बाकी सबको क्लियर है, अब केवल आप ही की प्रॉब्लम आ रही है जलज। आपको तो क्लियर दिख रहा है ना? मेरे ख्याल से अभी तो प्रॉब्लम नहीं आई किसी को, मेरे को भी क्लियर दिख रहा है अभी तो, क्लियर है ना? हाँ ठीक है जलज, तो बेटा फिर वो आप ही की प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप चेक कर लो एक बार। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, ऐसा x टू दी पावर log x प्लस 5/3
इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 प्लस log ऑफ x, ठीक है करीब। x to the power log x plus 1 is equals to 10 to the power 6. Aditya mani doubt hai kya kuch? End raise kara aapne? बोलो सर, फर्स्ट क्वेश्चन में बेस 10 है ना? हाँ बेस जहां पे मैं लॉग लिख रहा हूँ ना, बेस 10 ही लेना आपने को बाय डिफॉल्ट है ना। यस हाँ फर्स्ट में आंसर क्या क्या आ रहा है? दो आंसर आने चाहिए फर्स्ट में, दो आंसर आ रहे हैं फर्स्ट में। हाँ सही है सही है, करेक्ट 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 करेक्ट। सही है सही है। सेकेंड वाला वैभव क्या बताया तुमने? 10 पावर 2 एंड 10 पावर -2 11। हाँ ठीक है वैभव, सेकेंड वाला सही है। फर्स्ट वाला हो गया सबका? एक बार देख लीजिए, यदि फर्स्ट वाले में किसी को डाउट हो, मैंने दोनों साइड सपोज लॉग लिया तो log x to the power log x plus 5 upon 3 is equals to, यहां पे log लिया तो 10 to the power 5 plus log x आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे ले लेते हैं, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 plus log x, इधर से इसको आगे ले लेते हैं, इसको आगे लिया तो log x प्लस 5 अपॉन 3 इंटू log x आ गया, ठीक है यहां तक।
बस अब लॉग एक्स को टी मान लेते हैं अपन, लॉग एक्स को टी लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस फाइव टी इज इक्वल टू फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस थ्री टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन फर्दर, तो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस फाइव और t इज इक्वल टू थ्री, तो t इक्वल टू माइनस फाइव और t इक्वल टू थ्री, तो t इज इक्वल टू t क्या लिया था log x, तो log x इज इक्वल टू माइनस फाइव और log x इक्वल टू थ्री, तो x इज इक्वल टू टेन पावर माइनस फाइव और x इक्वल टू टेन पावर थ्री आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सेकेंड वाले का? हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सेकेंड वाला भी सही आ रहा है सबका, सेकेंड वाला भी सही आ रहा है। सेकेंड हो जाए तो फिर थर्ड वाला करिएगा, log x by 2 whole power दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे लिखूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, थर्ड क्वेश्चन है log x by 2 whole power log square x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स, ठीक है। सिक्स को फाइव प्लस लॉग एक्स कहां पे लिखा है, कहां लिखा बेटा? अरे ये तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये अलग क्वेश्चन है। चैन अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अब तो सही ही चल रहा है, अभी मेरे को भी सही दिख रहा है इसमें, बाय टेकिंग फाइव प्लस लॉग एक्स इक्वल टू आई ओनली गेटिंग थ्री एज आंसर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो आप, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बाय टेकिंग 5 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, ओनली गेटिंग 5 प्लस लॉग एक्स को y ले लेते, मैं समझा नहीं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, हाँ सही है जलक्ष, 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर 3। सेकंड वाला आ गया क्या, ये एक्चुअली फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन था। उसकी रैंकिंग तो देखनी पड़ेगी बेटा, रैंकिंग का पता नहीं है कोई, सही है। आदित्य किसका आंसर बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है log x by 2, log x by 2 की पावर है log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू log रूट x। थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूं जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, log x by 2 यहां पर है log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू log रूट x। अक्षत लास्ट में थोड़ा सा, तीन आंसर आ रहा है अक्षत लास्ट हुआ है,
लास्ट वाले में तीन आंसर है, सेकेंड वाला हो गया क्या? सेकेंड में यदि मैं दोनों साइड लॉग लूंगा सेकेंड में, तो क्या आएगा आपके पास? लॉग एक्स टू दी पावर लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टेन टू दी पावर सिक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, सिक्स को आगे ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये आएगा लॉग एक्स प्लस वन इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स और लॉग टेन की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, बस बाकी तो सीधे फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स करेंगे तो लॉग एक्स को लेट से मैंने टी मान लिया, तो यह आ जाएगा मेरे पास टी प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू सिक्स, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फैक्टर्स करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, फैक्टर्स करके आंसर आ रहा होगा टी इक्वल टू माइनस थ्री, टी इक्वल टू टू आ रहा होगा, और लॉग एक्स को टी लिया था अपन ने, तो इसका मतलब log x is equals to minus 3 आया होगा, log x equals to 2 आया होगा, x equals to 10 to the power minus 3 आया होगा और 10 to the power 2 आया होगा। क्लियर है सेकंड वाला? सेकंड तक में किसी को डाउट है क्या? log x square का होल स्क्वायर और log x square आर डिफरेंट? हाँ बेटा, ये log x square और log x का जो होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, हाँ दोनों डिफरेंट। इसमें मैं टू आगे ले सकता हूँ, इसमें मैं टू आगे नहीं ले पाऊ, उसमें टू आगे ले सकता हूँ। आंसर चेक जरूर कर लीजिए, मैंने चेक नहीं करा, आंसर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 पावर 2 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 10 पावर 2 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड का अब केवल थर्ड का आंसर बताना है। थर्ड का दो ही आंसर आ रहे हैं क्या? थर्ड के वैसे तीन आंसर आने चाहिए, उसमें थर्ड के तीन आंसर आ रहे हैं। हाँ, जो दो आंसर बता रहे हैं वो तो आ रहे हैं। करण पाटीदार ने जैसे दो बताए वो सही है, अनंत ने दो बताया वो सही है ना? पर वाक्य क्या क्या आया? नहीं तो भी आप तो एक आंसर गलत बता रहे हो, तो भी एक आंसर गलत आ रहा है पर आपका। log स्क्वायर x मतलब log x का, ये और ये सेम है। देखो ये log स्क्वायर जैसे साइन स्क्वायर है ना, ट्रिग्नोमेट्री की तरह साइन स्क्वायर x लिखो या साइन x का होल स्क्वायर लिखो, वो दोनों सेम है। ऐसे ये और ये दोनों सेम है, इसको ये लिख सकते हो। चलिए चेक करते हैं इसमें। देखो इस क्वेश्चन में, एक मिनट, आप आंसर समझ लीजिए, आप सॉल्यूशन समझ लीजिए इसका। ठीक है, इसमें क्या है, एक्चुअली दो पॉसिबिलिटी है। देखो इस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को पढ़ने का। देखो लॉग रूट एक्स है, लॉग रूट एक्स को लिख सकते हो आप लॉग एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं, 1/2 आगे आ जाएगा, तो इसको मैं लॉग एक्स बाय 2 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन तो मेरा ऐसा हो गया कि एक तरीका तो इसमें ये हो गया कि सपोज करो मैंने लिखा log x by 2 to the power, ये हो गया log x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया log x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था, इसको मैंने ये लिख लिया, ये आ गया। अब एक पॉसिबिलिटी तो इसमें ये बन रही है कि दोनों का जो बेस है ना वो सेम आ रहा है, आ रहा सेम, ठीक, तो इसकी पावर 1 डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, तो डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं ऐसा इसको, ठीक है, सीधा डायरेक्टली दोनों का बेस सेम था, तो बेस सेम था तो इसलिए मैंने सीधे सीधे दोनों का पावर को कंपेयर कर लिया, दोनों के पावर को कंपेयर करा। अब इसको मैं टी मान लेता हूं लॉग एक्स, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, फैक्टर्स करेंगे तो वैल्यू आ रही होगी t इक्वल टू माइनस 3, t इक्वल टू 1, तो log x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया और log x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इससे तो आपके दो आंसर आ गए x इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 और x इज इक्वल टू 10 पावर 1, है ना। ठीक है, ये एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई, राइट, एक बार मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद पूछ लेना बेटा डाउट। अब एक पॉसिबिलिटी और है कि आप ये सोचो कि यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, बेस की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, मतलब मैं log x by 2 की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर 1 की पावर दिस इज इक्वल्स टू 1 की पावर दिस, तो भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी कि नहीं, उस केस में भी हो सकते हैं ना इक्वेशन सेटिस्फाइड, सो दैट्स व्हाई एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि log x by 2 को अपन क्या करते हैं 1 कर दें, इसको उधर ले जाएंगे तो log x is equals to 2 हो जाएगा, तो x is equals to 10 to the power 2 आ सकता है, एक आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है। अब दिक्कत यही है कि आप सोचेंगे, आप पूछेंगे फिर कैसे पता लगेगा हमें कि बेस कंपेयर करें कि नहीं करें, देखो बेस में यदि वेरिएबल है ना, बेस में वेरिएबल है, ठीक है, तो फिर या तो आप ये पॉसिबिलिटी अलग से लेके करो, या फिर बेटर वो ये जो आप पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे पहले, आप दोनों साइड लॉग ले लो आप, है ना, तो दोनों साइड लॉग लेके करोगे तो भी आ सकता है, पर उसमें ज्यादा अच्छा तरीका ये, दोनों साइड लॉग लोगे ना तो इसमें फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इनफैक्ट शायद हो भी नहीं पाएगा, आप दोनों साइड लॉग लोगे तो, है ना, उसको अलग से ही करना पड़ेगा। यदि बेस में वेरिएबल है, बेस में यदि वेरिएबल है तो आप एक केस ये अलग से बना लो कि जब मैं बेस को वन करूंगा तो भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, तो इसलिए एक आंसर ये आएगा, बाकी दो आंसर ये आएंगे मेरे पास, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, अब कोई डाउट है क्या किसी को, वो सेकंड क्वेश्चन में भी था बेटा, पर सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि बाकी जो क्वेश्चन है ना उसमें अपन ने लॉग ले लिया था, तो वो लॉग एक्स इटसेल्फ मेरे पास चल रहा था, यहाँ पे तो अपन ने क्या इसको गायब ही कर दिया था ना, जब आप लॉग लेके करोगे ना तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब अपन लॉग लेके नहीं कर रहे हैं तब ये वाली प्रॉब्लम आएगी, हरी बात समझ में, देखो पहले के दोनों क्वेश्चन में क्या था, उसमें अपन पास एक्स था तो, लेकिन जब मैं लॉग ले रहा था दोनों साइड तो ये लॉग एक्स आ गया था, तो ये एक्स कंसिडर हो रहा था, उसमें एक्स को हटाया नहीं था, इसमें तो मैंने इसको सीधा हटा ही दिया, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो जहां पे आप लॉग लेके कर रहे हो वहां बेस कैसे कंपेयर करा, बेस कंपेयर नहीं करा, बेस को मैंने 1 एज्यूम कर लिया, भाई किसी भी इक्वेशन में बेस को मैंने 1 एज्यूम कर लिया, यदि बेस 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी करोगे इधर, 1 की पावर कुछ भी करोगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी ना, तो इसलिए वो अलग से आपको लेना पड़ेगा, ये केस अलग से लेना पड़ेगा,
बाकी दोनों साइड बेस सेम हो गया था तो इसलिए मैंने सीधे सीधे पावर को कंपेयर कर लिया। मालूम कैसे पड़ेगा बेटा वो मालूम आप, मैं बोल रहा हूं ना इसको वन करा है मैंने, बेस वन के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। वन के अलावा जैसे आप टू की पावर कुछ करोगे तो यहाँ पे टू की पावर कुछ करोगे वो नहीं होगा, केवल बेस वन के केस में ही वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। जब अपन बेस वन लेंगे उसी केस में वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है राइट। तो कुल मिला के दो पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास। फिर से मैं बता देता हूं, देखो यदि अपन क्वेश्चन में लॉग लेके आप कर रहे हो, जैसे अपन ने पहले दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी करे उसमें लॉग लेके करा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप बेस सेम रख के पावर को कंपेयर कर रहे हो और उसमें भी यदि आपका बेस वेरिएबल है, यदि बेस वेरिएबल नहीं होता, मान लो इधर 1/2 की पावर कुछ होता और इधर भी 1/2 की पावर कुछ होता तो मैं सीधा बेस सेम रख के पावर को कंपेयर कर लेता, फिर दिक्कत नहीं थी मेरे पास। लेकिन यहां पे बेस में क्या हो गया, वेरिएबल, तो इसलिए मुझे पता है कि यदि बेस में वेरिएबल है और उसको यदि मैं 1 भी रखूंगा, ठीक है, तो 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 की पावर समथिंग सेटिस्फाइड होगा, तो इसलिए इसको इज इक्वल टू मैंने क्या करा है, 1 करा है, ठीक है। लॉग एक्स बाय 2 की पावर आगे ला कर सकते हैं क्या? हाँ, अब वो आगे कैसे लाओगे, लेकिन अभी आगे लेने के लिए आपको आगे लाने के लिए बेटा वो लॉग लेना पड़ेगा ना, फिर वो लॉग लोगे तो लॉग ऑफ लॉग एक्स फाइव को आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स फाइव को आ जाएगा, वो उससे भी जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है, उससे वो तो क्योंकि डायरेक्ट पावर थोड़ी ना आगे आएगी, एक्स की पावर थोड़ी ना है, तो लॉग लेना पड़ेगा तब पावर आगे जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 और -1 आ रहे हैं, 3 और -1 नहीं बेटा, -3 आएगा ना, +3t करेंगे तो -3 और 1 आएगा, सही करो उसको। हाँ अक्षर दशर ऐसा बोल सकते हो आप कि यदि बेस सेम है तो उसको 1 रख के चेक करना पड़ेगा, एक बार उसको 1 रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो अभी काफी सारे बच्चे हो तो ये वाली चीज समझ में आती, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा उसमें शीट में, एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा। थ्री अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 8x टू द बेस 2 +1 इज इक्वल टू 0। थ्री अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 2 माइनस लॉग 8x प्लस 0। चलिए पहले एक एक करते हैं, आंसर की उत्तर नहीं आएगी। हाँ log x 0 तो ले सकते हो ना बेटा, log x 0 ले सकते हो, log x 0 लोगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, पर वो उसमें बेस 0 नहीं हो सकता। आप यदि ये सोच रहे हो कि वो बेस 0 नहीं हो सकता, 0 की पावर आप करोगे तो वो डिफाइंड नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रही है ना, अपना क्वेश्चन क्या है, उसमें 0 में एक प्रॉब्लम आ रही होगी, आपका पॉइंट सही है। अपना पावर में क्या आ रहा था, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि यदि आप 0 लोगे, log x की वैल्यू 0 ले रहे होंगे तो यहाँ पे पावर -2 बन जाएगी, तो वो 1/0 स्क्वायर हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, इसलिए वो 0 नहीं ले सकते अपन केस। यदि 0 की पावर पॉजिटिव होती तो अपन ले सकते थे। 3 मल्टीप्लाई में बेटा, थ्री मल्टीप्लाई में 2 और 16
हाँ सही है करण, करण पाटीदार सही है, वैभव दूत का भी सही है, पर पाटीदार नहीं, पर पाटीदार नहीं, गरु सिंह का सही है, विधान आपका गलत आ रहा है, एक आंसर बच्चों वीडियो चालू मत करो, दो आंसर आ रहा बेटा इसमें, अंशी का एक ही आया आपका आंसर, दो आने चाहिए। हो गया हुआ, कुछ का सही आ गया है कुछ का नहीं आया, चलिए देख लेते हैं। अब देखो पहली चीज तो क्या है कि टर्म आप जितनी सेम टाइप की बना सकते हो ना उतने सेम टाइप के बनाने के लिए ट्राई करना है आपको, है ना। अब यहां पे log x टू द बेस वो यहां पर 8x है तो ब्रेक कर सकते हैं इसको, क्या ब्रेक करोगे इसको, log 8 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2 प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये ऐसा था ऐसा लिख लो, देख सकते हो कि नहीं, ये टू पावर थ्री होके थ्री आगे आ जाएगा तो थ्री अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स टू द बेस टू माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स टू द बेस टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको टी मान लो सीधे सीधे, इसको टी मानेंगे तो थ्री टी माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर हो गया प्लस थ्री टी हो गया माइनस टू इक्वल्स टू जीरो हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो ये इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, टी इक्वल्स टू वन टी इक्वल्स टू टू, टी किसको माना था अपन ने लॉग एक्स बेस टू को माना था बेटा, तो ये वन आ गया तो एक्स इक्वल्स टू टू पावर वन आ गया और एक्स इक्वल्स टू, गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा टी अंडर रूट वाले को माना था, सॉरी टी अंडर रूट को, तो अंडर रूट वन तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा और एक्स इक्वल टू फोर तो 16 आ जाएगा, चेक जरूर कर लेते हैं एक बार, टू रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 16 रखेंगे यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 16 एंड टू क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा, log ऑफ x टू द बेस 1 बाय 3 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ log x टू द बेस 1 बाय 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है चलिए करिए फिर अपन इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं, है ना, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूं, ये आंसर मत टाइप करना, हाँ क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना,
चलिए बताइए आगे का आंसर, 1/3 और अलग अलग कैसे आ रहा है आंसर, किसी का क्या आ रहा है किसी का क्या आ रहा है आंसर, 1/3, 1/9 आदित्य मणि गलत आ रहा है, उज्जवल सही आ रहा है, चेक कर लेता हूँ कहीं आंसर गलत तो नहीं लिखा हुआ, आयुष सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, हो गया सबका चेक कर लेते हैं, चलिए आंसर गलत दिया हुआ है ऐसे। सीधा इसमें तो इसको टी मान लेता है, कुछ करना ही नहीं आपको, सीधा चाहिए तो सीधा ही हो जाएगा, इसको टी मान लेता है, ये टी स्क्वायर हो गया, तो टी स्क्वायर माइनस 3t + 2 = 0 है, तो बहुत इजीली हो जाएगा, t = 1 t = 2, टी मैंने माना इसको माना है ना, टी अपन ने माना लॉग एक्स बेस टू द 1/3, इसको टी माना, तो ये इज इक्वल टू 1 आ रहा है और ये इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब लॉग एक्स बेस टू द 1/3 इज इक्वल टू 1 हो गया और लॉग एक्स बेस टू द 1/3 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो फिर तो बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, मतलब अभी भी पर पाटीदार गलत है, एक दो बच्चों ने कहीं सही आया आंसर, इसका मतलब मोक्षिका का सही दिख रहा है मेरे को आंसर, x is equals to 1/3 और x is equals to 1/3 to the power 4 is equals to 1/81, हाँ ठीक है, डबल आंसर क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, डबल आंसर क्यों, क्वाड्रेटिक आ रहा है तो डबल आंसर क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक नहीं करा मैंने, 1/3 यहां पे रखेंगे तो 1 यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/81 रखोगे तो 1/3 की पावर 4 अंडर रूट में 4 आएगा, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारों ने लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर है ना 1/3 1/9 हुआ था, वही गलती कर रहे थे जो पहले मैं कर रहा था, वो आपने स्क्वायर नहीं करा होगा, आपने सीधा इसको टी रख दिया होगा, बहुत सारे बच्चों की ये गलती हो रही थी, है ना, चेक कैसे करना है बेटा, देखो चेक क्या करूंगा मैं, देखो ये एक्स की वैल्यू है, देखो चेक करने का बहुत सही तरीका, किसी भी क्वेश्चन में चेक करने का मतलब क्या है, सीधा सीधा आप जो भी आंसर बता रहे हो वो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल सॉल्व करने के बाद वाली नहीं, लाइक जो आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है फर्स्ट लाइन क्वेश्चन, उसमें रख के चेक कर लो, क्या चेक कर लो, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा हो, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा हो, लाइक जैसे 1/3 रखूंगा, यहाँ पे 1/3 रखने में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, यहाँ पे 1/3 रखूंगा तो log 1/3 of 1/3 1 आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1/81 यहाँ रखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, यहाँ पे 1/81 रखेंगे तो 1/81 मतलब 1/3 की पावर 4 हो गया, तो यहाँ पे अब जैसे आप देखना, यदि यही आंसर मेरा x इक्वल टू 81 आया होगा ना, 81 81 नहीं बता सकता मैं आंसर, यदि 81 आ रहा होता ना तो वो 81 को मुझे रिजेक्ट करना पड़ता, क्योंकि 81 में बताऊंगा ना तो यहाँ पे log 81 -4 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -4 आ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है ना, चलिए तो ये log की इक्वेशन हो गई, तो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें, है ना, बस अब तो ये है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, ठीक है, तो थोड़े बहुत मैं शीट में भी देते जाऊंगा और बाकी बिगनर बॉक्स ही सही अपने पास। अब नेक्स्ट अपन इसमें आते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे आने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, इसमें एक कंसेप्ट मुझे समझाना है आपको कि जैसे लॉगेक्स का ग्राफ अपन ने लिया था क्या, लॉगेक्स का ग्राफ मैंने बताया था कि नहीं स्टार्टिंग में, जो लोग अपन ने स्टार्ट करा था तो मैंने ग्राफ बताया था क्या, लॉग का अभी नहीं बताया, चलो ठीक है ठीक है, तो पहले मैं लॉग का ग्राफ बता देता हूँ आपको, अच्छा अपन ने प्रॉपर्टीज ही लिखी है ना, उस ग्राफ के बाद फिर अपन मैं रिलेशन को डिराइव करूंगा, सपोज करो कि यदि मुझे लॉगेक्स का ग्राफ बनाना है, लेट्स से कोई भी बेस ले लेता हूँ, 10 बेस पे ले लो आप, है ना, ये 2 बेस पे लेता हूँ, तो दोनों को कंपेयर करना, तो x इज इक्वल टू 2 पावर y लिख सकते हैं अपन, लॉग हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 पावर y लिख सकते हो, ठीक है,
सिंपली वैल्यू रखनी है, आप कुछ मत करो, आप वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, वाई की वैल्यू रखते जाना, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी, एक्स वाई, y equals to 0, x equals to 1, y equals to 1, x equals to 2, y equals to 2, x equals to 4, 3 पर 8, 4 पे 16, माइनस कर दो, माइनस 1 पे 1 by 2, माइनस 2 पे 1 by 4, माइनस 3 पे 1 by 8, यदि मैं इसको मार्क करूंगा, ठीक है, वन को मार्क तो कर सकते ना, पॉइंट मार्क करने में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होता ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वन कॉमा जीरो अप्रोक्स यहाँ पे ले लेते हैं, वन कॉमा टू कॉमा वन, टू कॉमा वन अप्रोक्स यहाँ पे, फोर कॉमा टू, थ्री फोर, फोर कॉमा टू यहाँ पे, एट कॉमा थ्री, फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री यहाँ, ठीक है। फिर 1 बाय 2 पे माइनस 1, आप समझना, दिस इज 1 कॉमा 0, 1 बाय 2 माइनस 1, यहां पे 1 बाय 2 माइनस 1, दिस 1 बाय 4 माइनस 2, इसका भी हाफ, दिस इज 1 बाय 2, दिस इज 1, 1 बाय 2 मतलब इसका हाफ पे माइनस 1, 1 बाय 4 इसका भी हाफ पे माइनस टू, दिस वन, वन बाय एट इसका भी हाफ पे माइनस थ्री, इस तरफ। इधर आप जाओगे मतलब y की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो y इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता जाएगा। इधर 1 बाय 8 पे माइनस 3 आएगा, 1 बाय 16 पे माइनस 4 आएगा, ठीक है। आप मतलब जितनी y की नेगेटिव में वैल्यू बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू नेगेटिव में, x की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हेन y टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, x टेंडिंग टू जीरो, y tending to minus infinite मतलब यहाँ x tending to zero भी यहीं पे होगा, y tending to minus infinite मतलब जितना नीचे जा सकते उतना नीचे जा, और x tending to zero मतलब इसके एकदम पास, मतलब टच करेगा इस लाइन को, टच करेगा कहाँ पे, माइनस इनफाइनेट पे जाए, माइनस इनफाइनेट, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x when बेस इज टू, when बेस इज टू, करेक्ट। चलिए एक बार इसको आप बना लीजिए, फिर मैं सेकंड वाला ग्राफ आपको बताता हूं, है ना। एक्स एक्सिस को पीयूष इनफाइनाइट पे, तो अपन ग्राफ में नहीं, आप ग्राफ में इनफाइनाइट पे तो जा ही नहीं सकता, मतलब यू समझ लो एकदम माइनस इनफाइनाइट पे जा, तो ग्राफ में अपन इनफाइनाइट पे तो जा नहीं सकते, तो अपन एकदम पास ले जाके ऐसा छोड़ देते। एक बार इसको आप बना लीजिए बेटा, दिव्यांशु ये क्या है, क्या है, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो यार तुम भी, है क्या दिख रहा है ये, बोर्ड है, मार्कर है, है? ग्राफ बनाया मैंने, log x to the base ये बना लिया सबने, तो अब उस वाले केस पर आते हैं, log x to the base 1 by 2, इसको मैं लिख सकता हूं x is equals to 1 by 2 to the power y, this can be written as 2 to the power minus y, ठीक है, x is equals to 2 to the power minus y हो गया, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा कि पूरा उल्टा होगा, देखो दोनों को कंपेयर करो आप, तो इसमें आपको जो वैल्यू y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिली होगी वो उसमें y की नेगेटिव वैल्यू के लिए मिलेगी, जो इसमें नेगेटिव के लिए मिलेगी वो इसमें पॉजिटिव के लिए मिलेगी, ठीक है। मीन्स सपोज करो कि इसमें यदि मैं एक्स वाई लिखूंगा, ठीक है, तो y जीरो पे तो अभी भी x वन आएगा, अब इसका उल्टा होगा, जब आप y वन रखोगे तो x वन बाय टू, y टू रखोगे तो x वन बाय फोर, y थ्री रखोगे तो x वन बाय एट, y माइनस वन रखेंगे तो x टू, y माइनस टू रखेंगे तो x फोर आ जाएगा, पूरा उल्टा, मतलब जो इसमें y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिल रहा था वो इसमें y की नेगेटिव वैल्यू के लिए मिल रहा है, और जो y की इसमें नेगेटिव के लिए मिल रहा था वो इसमें पॉजिटिव के लिए मिल रहा है। तो अब ग्राफ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा समझना, दिख रहा है कि नहीं यहां तक, चलो तो ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वन कॉमा जीरो तो अभी भी इसमें तो वन कॉमा जीरो ये यहां से तो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वन कॉमा जीरो के बाद वन बाय टू कॉमा वन, ये वन बाय टू, दिस इज वन कॉमा जीरो, वन बाय टू इसका हाफ कॉमा वन, यहां पे ये पॉइंट यहां पे था इसमें नीचे, क्योंकि इसमें वन बाय टू कॉमा माइनस वन था, इसमें वन बाय टू कॉमा वन है, फिर वन बाय फोर कॉमा टू, मतलब इसका भी हाफ तो टू, और फिर इसका भी हाफ तो थ्री, ऐसा चल रहा है, टू पर माइनस वन, टू पर माइनस वन, यहां पर फोर पे माइनस टू, थ्री फोर पे माइनस टू, ऐसा आ रहा है डिफरेंस समझ में दोनों में, इसका जो ग्राफ बना और उसका जो ग्राफ बनेगा उसका डिफरेंस समझ में आ रहा है, लाइक यस लाइक डिक्रीज कर, ठीक है। When base is less than one, जब base less than one हो, जब ये base greater than one हो, ठीक है। तो अब उसमें आप बोले कि सर base ये तो आपने two करा, three करा, तो three करा तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो shape यही रहेगा, आप base three, four, five, six, seven, eight, nine, ten कुछ भी कर दोगे, shape change नहीं होगा, shape ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा वो ऊपर जाएगा इससे, इसमें आप बेस वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय, तो वो जाएगा ऐसे ही, जाएगा ऐसे, है ना, उसका नेचर चेंज नहीं होगा उसका, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। हाँ, वैल्यू दोनों की अपोजिट आई, वैल्यू दोनों की एक्स होता या माइनस एक्स होता, माइनस एक्स की पावर जीरो एक्स, बेटा वेरिएबल के लिए मैं नहीं बता सकता, माइनस एक्स की पावर जीरो वेरिएबल के लिए अपन नहीं बता सकते क्या होगा, इसमें ये लिख लेना आप y माइनस इनफाइनाइट पे एक्सटेंडिंग टू जीरो, और इसमें y इनफाइनाइट पे x इनफाइनाइट, और y माइनस इनफाइनाइट पे जीरो, उसमें उल्टा हो जाएगा, है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा व्हेन y टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और व्हेन y टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो x टेंडिंग टू जीरो, उसमें वो वैल्यू उल्टी हो जाएगी। हाँ, इसने आ रहा, वो अब इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, इसने आ रही उस पॉइंट पे आ रहा है, एक बार आप ग्राफ बना लो फिर वापस से इसकी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यश, इंपॉर्टेंट तो इस, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई बोल रहा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है,
आ रही है ना प्रथम बेटा, आ रही है आप प्रथम प्रथम, बाकी को तो आ रही है आवाज क्लियर? एक बार आप म्यूट ऑन ऑफ कर लो या दोबारा से साइन इन कर लो, क्योंकि बाकी को आ रही है आवाज। बना रहे तो बता दीजिएगा। बोलो मोहित माली, मोहित माली क्या डाउट है? बोलो मोहित, हेलो। हाँ बोलो माइक, क्या डाउट है? सर फर्स्ट केस में आपने लिखा है कि वाई अगर इंफिनिटी होगा तो एक्स जीरो के जीरो हो जाएगा, उस वाले में, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले में तो वाई इनफाइनाइट पे एक्स इनफाइनाइट लिखा। ठीक है सर, वाई इनफाइनाइट पे एक्स इनफाइनाइट लिखा। हाँ समझ में आ गया। हाँ ये ना वाई इनफाइनाइट जाओ, y इनफाइनाइट मतलब ऊपर, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ग्राफ x भी घट जा रहा है। बस देखो इधर x इनफाइनाइट है, इधर y इनफाइनाइट है, इधर y माइनस इनफाइनाइट। अब आप देख लो ग्राफ, ग्राफ नीचे जा रहा है तो यहां पर x जीरो की तरफ चल रहे हैं अपन और y माइनस इनफाइनाइट, x जीरो y माइनस इनफाइनाइट इधर जा रहा है, मतलब x भी इनफाइनाइट y भी इनफाइनाइट। इसमें इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब y माइनस इनफाइनाइट जा रहा है और y माइनस इनफाइनाइट और x इनफाइनाइट ऐसा। इसमें क्या है, स्टॉप कहीं पर भी नहीं होगा एक्चुअली। ये देखो रुकेगा नहीं अपन, क्योंकि अब ये तो इनफाइनाइट तक जाना है, अब मैं इनफाइनाइट तक तो बना नहीं सकता, तो अपने पास तरीका यही है कि अपन यहां पे ले जाके छोड़ देता हूं उसको थोड़ा सा। अपने पास उसमें यही तरीका, अपन यहां पे ले जाके उसको छोड़ देते हैं, है ना? ठीक है। अब मेन इसके कंसेप्ट पे आइए आप, कि इसको अपने को यूज कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में भी यूज आएगा और वैल्यूज को कंपेयर करने में भी यूज आता है। जो सबसे बड़ा इस ग्राफ और इस ग्राफ में जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो डिफरेंस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग। जब भी ग्राफ, मतलब आप ऐसे समझना इसको, जब भी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, शेप कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन ले लो, चाहे ऐसा बना दो, ये ऐसा बना दो, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज। इंक्रीजिंग मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब भी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब एक्स की वैल्यू इधर इंक्रीज तो वाई की वैल्यू डिक्रीज कर, है ना? मतलब अब आपको देखो थोड़ा सा ग्राफ पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी आप इधर जा रहे होंगे मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हो y की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे जा रहे हैं y की वैल्यू कम हो रही है, इधर आ रहे हैं x की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, इसको इंक्रीजिंग। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इससे मुझे क्या कंक्लूजन पता लगेगा, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने से मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया,
कि लेट्स से y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2 की यदि मैं बात करूं, मतलब मुझे पता है कि इसका ग्राफ ये है, इसमें क्या होता है कि आप x की वैल्यू इंक्रीज कराते जाइए तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से मैंने रखा x इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस 2 आ गया। मैंने रखा x इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू लॉग 5 टू द बेस 1। ठीक, ग्राफ में 3 यहां पे मान लो अप्रोक्स, 5 यहां पे मान लो, 3 पे ये वैल्यू मिली, 5 पे ये वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू ज्यादा मिली, साफ साफ दिख रहा है 5 की वैल्यू ज्यादा मिली, दिस इज इंक्रीजिंग, कि आपने जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज करी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, बढ़ाते जाओ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यू बढ़ती जाएगी, किस प्रपोर्शन में बढ़ेगी वो मुझे नहीं पता, वो जिस भी प्रपोर्शन में, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ये तो पता ही है ना, log 2 ऑफ 2 की वैल्यू 1 होती है, log 2 ऑफ 4 की वैल्यू 2 हो जाती है, और log 8 बेस टू द 2 की वैल्यू 3 हो जाती है, ये तो पता ही है, ये भले आपको वैल्यू नहीं पता लेकिन ये तो पता ही दिख रहा है साफ से। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज, क्या आपने एक्स बढ़ाया वाई बढ़ गया, मतलब मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली कंपेयर, कि आप मेरे से पूछे कि log 15 टू द बेस 2 और log 17 टू द बेस 2 में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो मैं बता सकता हूँ कि log 17 बेस 2 की वैल्यू ज्यादा होगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हेन बेस, और इंक्रीजिंग फंक्शन कब बनता है, जब बेस ग्रेटर देन 1। इस ग्राफ के साथ एक चीज और लिख लेना, एक चीज में लिखना भूल गया, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, इस ग्राफ के साथ एक चीज और लिख लेना, और इस ग्राफ के साथ एक चीज और लिख लो, a लेस देन 1 ग्रेटर देन, इन दोनों ग्राफ के साथ एक एक चीज और लिखना है, ठीक है। रुक जाओ जानवी, जानवी रुक जाओ, देख लिया मैंने क्वेश्चन, रुक जाओ है ना, इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको कि दिस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब सीधे सीधे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब log x की वैल्यू, अपने लिए y क्या है, log x की वैल्यू, ठीक है। तो ये ठीक, सेम बात यदि मैं बेस लेस देन 1/2 के लिए करूंगा तो उल्टा डिक्रीज, आप x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू कम होगी, तो x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू कैसे कम होगी, हालांकि अपन ने ग्राफ बनाया था उसमें भी मैंने देखा था, और log के रेस्पेक्ट में बात करूं, log ऑफ 1/2 ऑफ x, इसमें उल्टा होगा, आप बोले कि मैंने x इक्वल टू 3 रखा, x इक्वल टू 5 रखा, x इक्वल टू 7 रखा, log 1/2 3, log 5 टू द बेस 1/2, log 7 टू द बेस 1/2, ठीक है, 3, 5, 7, जो पॉइंट सबसे नीचे होगा उसके y की वैल्यू सबसे कम होगी, तो दिख रहा है सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, 7 पर, x इक्वल टू 7 पे, ये तो पता है ना कि ग्राफ बना रहे मतलब x इक्वल टू 7 पे y की वैल्यू यहाँ आई होगी, इसलिए अपन ने पॉइंट वहां मार्क करा हुआ है, 5 पे यहाँ पे, 3 पे, तो आप देखो 7 पे सबसे कम वैल्यू आ रही है, सबसे नीचे आने का मतलब वैल्यू सबसे कम आ रही है, 5 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, 3 की वैल्यू और ज्यादा आ रही है, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है कि log 7 की वैल्यू ज्यादा कम, फिर ये ज्यादा, ये ज्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने समझने के लिए था अभी इस वाले ग्राफ के थ्रू, वो एक तो यही पॉइंट था कि जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो log x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और बेस लेस देन 1 है तो log x डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो log x की वैल्यू कम होती जाएगी, उल्टा रिलेशन, और इसमें x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो log x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, ठीक है। पीयूष जैन बेटा अभी लॉग पढ़ लो ना, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड बात अपन बाद में करेंगे।
रिलेटेड है वो बाद में बात कर लेना, ठीक है। प्लॉट करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है ग्राफ, आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ याद रख लेना, है ना। लॉग एक्स का ग्राफ बेस ग्रेटर देन वन के लिए ऐसा होता है और बेस लेस देन वन के लिए ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। दो ग्राफ फिक्स है, अब प्लॉट तो मैं हाथ से तो नहीं बनवा पाऊंगा ना आपको, तो वो आपको ऐसे करना पड़ेगा उसे, मतलब शेप ऐसा है। वैल्यू वैल्यू मार्क कर सकते हो, एक्स और वाई, एक्स वाई, तो तीन चार वैल्यू मार्क करना बन जाएगा आपके पास। वैल्यू मार्क करके बनाया मैंने, कोई अलग से थोड़ी ना बनाया, सात पॉइंट मार्क करना ग्राफ बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। ए क्या है, ए कहां पर बोला मैंने, ए ए अच्छा ए उसका बेस है, सॉरी ए लॉग का बेस है, मतलब है ना ए जो है वो लॉग का बेस, लॉग एक्स जो है वो ए का बेस है, तो ये बेस ग्रेटर देन वन के लिए बात हो गई और ये बेस लेस देन वन के लिए बात हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि अपने लिए इसका यूज क्या है, अब अपन कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि ग्राफ से भी मैं वैल्यू बता सकता हूँ, पर मुझे पता है आधे बच्चों को ग्राफ आधे भी नहीं चमक रहे है ना, इसलिए वो बताने का मेरे को फायदा नहीं लग रहा है, तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अभी मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो आप सीधा सीधा ये रखना कि इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो जब अपन दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, जब दोनों साइड लॉग लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इक्वेशन में, तो इनइक्वलिटी में जब आप दोनों साइड लॉग लोगे, पहली चीज बेस तो सेम रखना ही रखना है, अलग अलग बेस पर नहीं ले सकते, सेम बेस रखना है। इफ यू आर टेकिंग बेस ग्रेटर देन वन, तो आपके इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक है। इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, क्यों रहेगा, अभी मैंने बात करी जिसका एक्स ज्यादा होगा उसी के लॉग एक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, लॉग फाइव की वैल्यू लॉग थ्री से ज्यादा है, आप बोले इसका एक्स ज्यादा है तो मैंने बोल दिया इसके लॉग एक्स की वैल्यू ज्यादा है, फॉर ए ग्रेटर देन वन, फॉर ए लेस देन वन उल्टा, अभी आपने बोला था बेस लेस देन वन में उल्टा हो जाएगा, जिसका एक्स ज्यादा उसकी वाई की वैल्यू कम है, मतलब जब भी मैं वाई बोल रहा हूं ना मतलब लॉग एक्स की वैल्यू, जब भी वाई बोलू मतलब लॉग एक्स की वैल्यू, तो जब बेस लेस देन वन पर आप लॉग लेंगे, बेस सेम रखना है। अब ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि बेस सेम अलग अलग रख सकते हैं क्या, मुझे पता आप एक दो जने लिख देंगे, बेस सेम रखना है, अलग अलग लेकर अलग अलग बेस लेकर आप लॉग नहीं ले सकते है, बेस ग्रेटर देन वन है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम, और बेस लेस देन वन है तो लॉग जब आप लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन आपको रिवर्स करना, क्यों करना पड़ेगा, अभी मैंने बोला जिसका एक्स ज्यादा उसके लॉग एक्स की वैल्यू कम, तो इसका मतलब जब यदि मैं बोलूं थ्री और फाइव में इसकी वैल्यू ज्यादा है लॉग थ्री, बेस वन बाय टू, बेस वन बाय टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन टू रिमेंबर, बस पूरे ग्राफ में आप इतना याद रखो, ग्राफ नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से आप, हाँ नितेश एक्स की वैल्यू पता होगी, ऑब्वियस बात है ना, ये तो मैंने पहले दिया ही है ना, उसी के बाद मैं लॉग की बात कर रहा हूं, वीडियो नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है ना, ठीक है। डाउट है,
सर सर ये आपने लेस देन और ग्रेटर देन को बता दिया, और लेस देन इक्वल्स टू होता कभी कभी वो ऐसा कर देता, जैसे यहाँ पे यदि इक्वल टू चलेगा ना तो आप भी यहाँ पे इक्वल टू लगा देना साथ, और यदि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो आप भी मतलब ठीक है वो रूल इक्वल टू ऐसा का ऐसा लिखता है इक्वल टू साथ में चलता है ना, तो ये वाला रूल समझ में आ गया कि नहीं है ना। चलिए ठीक है एग्जाम अभी क्वेश्चन में उससे पहले एक दो चीजें मुझे और इसमें डिस्कस करनी है, लाभ से रिलेटेड वैल्यू से रिलेटेड ये तो बात हो गई। अपन जब अभी इनइक्विटी सॉल्व करने जाएंगे ना तो मुझे वहां पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, उससे पहले अब मैं थोड़ा सा एक वैल्यूज की बात करता हूं। वैल्यूज की देखो दोनों के ग्राफ आपके सामने बने हुए, ये ग्राफ बना हुआ ये ग्राफ बना हुआ है ना, बात समझना। ये ग्राफ किसके लिए था, a ग्रेटर देन वन के लिए, ये वाला ग्राफ किसके लिए था, a लेस देन वन के लिए, ठीक है राइट। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, ये है 1,0 ठीक है, ये भी 1,0 ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y is equals to log x to the base a का, ये वाला किसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है y is equals to log x to the base a का ठीक है। अब आप ये बताओ कि मैंने मान लीजिए कि एक तो वैल्यू आपको लिखाई log 7π और एक मैंने लिखी log ऑफ 1/2 ऑफ 1/3 ठीक है, दिस इज फर्स्ट वैल्यू दिस इज सेकंड वैल्यू, आपको बताना है ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कि दोनों पॉजिटिव होगी या दोनों नेगेटिव होगी। पॉजिटिव ध्यान से देखो ग्राफ किसका ग्राफ है वो सामने बना हुआ है, काफी सारों वैसे सही आंसर दिया है, गुड गुड गुड, इसका मतलब ग्राफ आपको दिख गया मतलब ये आपने सही बता दिया, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ग्राफ आदित्य मणि का गलत है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी कैसे होगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी कैसे होगी देखो, और अभी आगे के लिए ये वाली चीज याद रख लेना, मैं आपको एक फिक्स मेथड बता देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए, आपको किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो चेक करने के लिए एक फिक्स मेथड है। देखो इस वाले बेस इस वाले में क्या हो रहा है ग्राफ में ध्यान से देखो, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा रखूंगा लिख रहा है कि नहीं, थोड़ा इधर बना देता हूँ बड़ा, ये बात ये किसके लिए a ग्रेटर देन वन के, तो इसमें जब मैं वैल्यू 1 से ज्यादा रखूंगा तो ग्राफ ऊपर मतलब वैल्यू पॉजिटिव, जब x 0 से 1 रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव, बेस 7 x क्या रखा आपने 5 तो इसलिए पॉजिटिव, ये बेस लेस देन 1 है ऐसा इसमें उल्टा है, जब आप बेस 0 से 1 तक रख रहे हैं तो पॉजिटिव है ना, दोनों में यही अंतर है, इसमें 0 से 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, इसमें 0 से 1 पे पॉजिटिव, जब बेस लेस देन 1 होगा, इसमें बेस लेस देन 1 है तो इसलिए 0 से 1 पे इसमें पॉजिटिव आएगा, और इसमें बेस ग्रेटर देन है इसलिए 1 से ग्रेटर के लिए ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अब यदि ये वाली वैल्यू कैसी होगी ये बता सकते हो क्या, log 1/2 टू द बेस 5 पे, ध्रुव मान लीजिए बेटा सबका सही चल रहा है, ध्रुव आप चेक करो इधर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी दिख रहा है इधर कोई दिक्कत नहीं है, ध्रुव आपको चेक करना है बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत बढ़िया, सबका सही है वेरी गुड है। तो कुल मिला के बात बहुत सिंपल सी हो गई, अब आप समझो तो ये तीन चीजें मैंने लिखी है, जब यहां पे भी ग्रेटर देन वन है यहां पे भी ग्रेटर देन वन है तो पॉजिटिव, यहां पे भी लेस देन वन है यहां पे भी लेस देन वन है तो भी पॉजिटिव, एक ग्रेटर देन वन है एक लेस देन वन है तो नेगेटिव,
दोनों ग्रेटर देन वन है, दोनों लेस देन वन है तो पॉजिटिव, एक ग्रेटर देन वन है, एक लेस देन वन है तो नेगेटिव। तो अब आप ओरली में कुछ भी लिखो, आप डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हो। 5 टू द बेस 2 पॉजिटिव होगा, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 1 बाय 3 नेगेटिव होगा, लॉग ऑफ 10 बेस टू द 7 पॉजिटिव होगा। दोनों ग्रेटर देन 1 है, दोनों लेस देन 1 है तो पॉजिटिव, एक ग्रेटर देन 1 एक लेस देन 1 तो नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? अब बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, प्रथम एक ही क्लास थी आज, प्रथम एक ही क्लास। चेकिंग वाली में एक बार और बता देता हूं बेटा, चेकिंग वाली है ना। तो अच्छा, मैं अब देखो एक तरीका और बताता हूँ आपको, आप कभी भूल जाओ ना तो एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। मैंने अभी एक चीज बताई थी ना आपको कि जब बेस ग्रेटर देन वन है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है, और जब बेस लेस देन वन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है ना। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, जैसे मान लो इसकी बताता हूँ, इसको भूल जाओ आप, मुझे ये चेक करना है ठीक है। वन से कंपेयर करो, वन से तो 5 और 1 कौन ग्रेटर, लॉग ले लो दोनों साइड 7 बेस पर, और 7 बेस पर जब लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है। ठीक है, इसके लिए बताऊं, 1 से कंपेयर कर लो, 1 से 1 बाय 2 और 1 कौन ग्रेटर, 1 ठीक है। बेस 5 रखना है, बेस 5 रखेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है। ऐसा सबसे अच्छा तरीका, कभी भी भूल जाओ आप तो 1 से कंपेयर कर लो, दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग लेने में बस ये ध्यान रखना, बेस यदि बेस सेम तो रखना ही है, बेस सेम तो रखना ही है, अलग अलग तो ले नहीं सकता मैं, है ना। बेस यदि ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम, और बेस लेस देन 1 है तो बेस लेस देन 1 हो वैल्यू नहीं, बेस बेस यदि अभी जैसे ये लेता ना मैं, अभी जैसे मान लो मैं ये लेता, लेट्स से मान लो कि लॉग ऑफ 1 बाय 3 ऑफ 2 ये आपको चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, 2 और 1 कौन ग्रेटर हुआ, 2। अब मैंने लॉग लिया इसमें 1 बाय 3 पर, तो 1 बाय 3 पर लॉग लिया तो ठीक है, अब साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पर जैसे 1 बाय 3 लिया ना तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना, तो ये लेस देन 0 तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, सारे के लिए नहीं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चेक करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, सबको नहीं करना बेटा, केवल पॉजिटिव नेगेटिव वाले के लिए करना। दिव्यांशु लेता हूं, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, ग्राफ से समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका तो ग्राफ ही है, ये तो अल्टरनेट वे है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं ठीक है। इसको ग्राफ से समझ में आ जाए तो ग्राफ से तो सबसे अच्छा तरीका, साफ साफ दिख रहा है कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव। जब भी बेस ग्रेटर देन 1 है इसका ग्राफ ये होगा 5 पे पॉजिटिव, बेस लेस देन 1 का ग्राफ ये 1 बाय 3 यहां पर होगा पॉजिटिव होगा, बेस ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ये 1 बाय 2 1 बाय 3 यहां पर होगा नेगेटिव ठीक है। क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो पता चल ही जाता है, ऐसे देखते पता लग जाता है ठीक है। चलिए तो और इसका फिर आगे अपन और यूज करेंगे, आप दो वैल्यूज को भी कंपेयर करूंगा मैं, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू लेस है, कौन सी वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ सकती है, ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी कि 2 से 3 के बीच में, ये भी मुझे पता लग सकता है इसकी हेल्प से ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार घर पे जाके ना एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, और मेन देखो कुल मिलाकर मेन जो पॉइंट था ना वो एक ही पॉइंट है, सब चीजों का सार एक ही है कि बेस ग्रेटर देन 1 है तो आपको इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है, और बेस लेस देन 1 है तो लॉग लगाते समय आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, बस मेन चीज वही है ना। असाइनमेंट में भेज दूंगा, असाइनमेंट भेज दूंगा ठीक है। चलिए ओके देन, बाय बाय, ठीक है करण, देख लिया मैंने।